भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने मुंबई के युवाओं और बहनों के लिए द केरला स्टोरी फिल्म की निःशुल्क स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया G7 मल्टीप्लेक्स बांद्रा पश्चिम में किया। इस फिल्म को आज के केरल की धर्मांतरण की काली सच्चाई को उजागर करती है, किस प्रकार से युवतियों को लक्ष्य करके लव जिहाद के माध्यम से उन्हें आतंक के दलदल में झोंक दिया जाता है, जहां से वापस आना उनके लिए संभव नहीं होता है। इस कार्यक्रम में आयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने साथ ही इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुमित्रो सेन सहित सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित रहे। इस दौरान तेजिंदर सिंह तिवाना और साथ ही मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था फिल्म द केरला फाइल स्टोरी को लेकर, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, ट्रुथ को बताने के लिए। सर कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत एकदम रियल स्टोरी बताया है पिक्चर में, जो हुआ है वो बहुत सबको एक पिक्चर देखना चाहिए, जानना चाहिए कैसे क्या ऐसे लड़कियों का वो लोग लेके जाते हैं उधर, बहुत जरूरी है सबको करना। स्पेशल ये पिक्चर हॉस्टल गर्ल और कॉलेज की गर्ल लोगों को देखना चाहिए, हमारी जितनी भी भारतीय गर्ल है ना उनको सबको देखना चाहिए। मैं हमारे भारतीय जितने भी युवा वुमन से पिक्चर देखना चाहिए और इसे प्रेरित होना चाहिए, मूवी बनाओ ताकि हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करें। कोई नहीं आएगा बॉलीवुड गैंग, कोई बॉलीवुड गैंग नहीं आएगा, पर हम अपने पैसे देंगे ये मूवी बनाने के लिए। इधर देंगे भाई, ये बस बस डायरेक्टर साहब है पिक्चर सुदीपन सेन जी। सर क्या चाहिए लोगों को, समाज को पता चलता? देखिए ये फिल्म जो है ये एक पिछले कई दशकों से चलता हुआ एक साजिश हमारे देश के खिलाफ रचा गया था, और उसकी अंजाम देने के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग वर्गों से उसको बढ़वा दिया जा रहा था। तो हमारी ये कोशिश था, मैंने ये सब्जेक्ट के ऊपर पिछले 7 साल से काम की, और 7 साल बाद ये फिल्म को हमने बनाया। ये आपको देख के पता चला होगा बहुत मेहनत था इसमें, क्योंकि अलग अलग जगह पे शूट करना था, केरल में हम शूट नहीं कर पा रहे थे, बहुत विरोध था, लेकिन ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो एक हिडन ट्रूथ, ये जो छुपा हुआ सच था, ये उजागर करने के टाइम आ गया था, बहुत ज़रूरत था। अभी तक तो आपने सुने वहाँ पे फिल्म में हज़ारों की तादाद पे लड़कियाँ की कन्वर्शन हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटिव कन्वर्शन, और ये ना हो इसको रोकने के लिए ये हमारी मुहिम था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे खुशी होगी, और सबको बताइए ये फिल्म देखने के लिए, ताकि हमारी ये प्रयास सक्सेसफुल होगा। धर्मांतर के आड़ में आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये आतंक के दलदल में धकेली जा रही है, और ये षड्यंत्र को पूरे देश के सामने, खास करके युवाओं के सामने उजागर करने के लिए मैं सुदीपन सेन जी और पूरी टीम का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने ये रक्त रंजित सच ये लोगों के सामने लाया। बहुत बड़ा ये जन जागरण द केरला स्टोरी
फिल्म के द्वारा होने जा रहा है। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से एक खास स्क्रीनिंग इस फिल्म की आज पहले दिन पर रखी गई थी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी बड़ी संख्या में जो युवा आए थे, ये स्वयं तो देख के गए आज पिक्चर, लेकिन आने वाले दिनों में अपनी बहनों को, अपने आस पड़ोस के सभी महिलाओं को खास करके ये पिक्चर देखने के लिए लाएंगे। और ये सबसे बड़ा हिट ये देश के इतिहास में, ये पिक्चर जो सच लोगों के सामने उजागर हुआ है वो सभी देख पाएंगे, और ये एक संकल्प बन के उठेगा और परिवर्तन आगे आपको दिखेगा। जय श्री राम। गली गली में एक ही मोर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा। आपने का मेन मोटिव क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को? जो सही मायने में एक रक्त रंजित सच है, उसको उजागर करने का काम सुदीप तो सेन जी और पूरी टीम ने किया है, और उसकी हमें बड़ी खुशी है कि सही मायने में एक कन्वर्जन का जो षड्यंत्र जो आतंक के दलदल में ऐसी हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे घर की जो इज्जत है उसे दलदल में फंसाने का काम जो किया जाता है, वो षड्यंत्रों को युवाओं के सामने उजागर करने का काम डायरेक्टर जी ने किया है, और ये तक केरला स्टोरी बना है, इसलिए हम उनका दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मूवी देखने के लिए आए थे कि क्या था पूरा करते थे, डायरेक्टर भी यहाँ पे आए थे, पूरी अगर पूरी ये द केरला स्टोरी एक जन जागरण है जो प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए और समझना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए, और खास करके जो युवा वर्ग है, जो देश का भविष्य है, वो द केरला स्टोरी देखकर उनको जो समझ आएगी, ये समझ ही देश के अंदर परिवर्तन लाएगा। फाइल्स आई थी उसको भी लेके आपने कई सारे उसी तरीके से इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या कुछ है? बिल्कुल, जितने आज व्यक्तियों ने आज ये फिल्म देखी, इससे कई ज़्यादा सैकड़ों हजारों की संख्या में अपने बहनों को, अपने आस पड़ोस के महिला मित्रों को भी हम सब दिखाएंगे, ये हम आपको सुनिश्चित करते हैं। ऐसे जो कन्वर्जन कार्रवाई के लिए सख्त लॉ जो गवर्नमेंट लाना चाहती है वो आना चाहिए, इम्प्लीमेंट में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये फिल्म के माध्यम से, द केरला स्टोरी के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस तरीके से रक्त रंजित सच ये बार उछल के आया है, और पूरे देश में एक लहर के माध्यम से परिवर्तन का रूप ये आने वाले दिनों में लेने वाला है। भी बहुत सारी फिल्में बनी है, लेकिन इस तरह का कुछ भी सामने नहीं लाया गया था, तो क्यों बहुत सारे डायरेक्टर इस पर क्यों काम नहीं कर रहे थे? कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री एक तरफा चलती थी, आप सबको पता है, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो सच्ची स्टोरीज है, जो सच्ची सही मायने में असली कहानियां है, वो लोगों के सामने आ रही है अलग अलग फिल्मों के माध्यम से, और सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत मजा आया देख के। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छी लगी फिल्म, अच्छी थी, कुछ सीखने को मिलता है अपने बहू बेटियों लड़कियों को, उन्होंने जरूर देखना चाहिए हमारी तो। बहुत ही अच्छी मूवी, धर्मांतरण के ऊपर जितने भी अभी तक केरल और मुस्लिम प्रजातियों द्वारा किया जा रहा था, उसके प्रति हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदू बहनों को जागरूक करने के लिए बहुत ही अच्छी मूवी है। और मुझे आशा करता हूँ कि सभी बहनें इस मूवी को देखने के बाद जागरूक हुए और मुस्लिम धर्म की तरफ ना जाए, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी मूवी लेडीज सबके बारे में। चलिए, एक्सलेंट, वेरी नाइस, वेल डन, गुड मूवी, ठीक ही है, कोई इशू नहीं, अच्छी मूवी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है तो ऑब्वियसली अच्छी है। और कुछ